जुलाई महीने से पढ़ाई चालू करनी है कैट किया फिर ऑलरेडी कर चुके हैं अब जुलाई से लेकर नवंबर तक कितने घंटे रोज पढ़ना होगा कितने नंबर ऑफ आवर्स को मुझे टारगेट करना होगा सो so दैट मेरा कैट क्रैक हो जाए और मैं एक आई में चलू So guys, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे रियलिस्टिक लेवल really, really पे बात की कोचिंग कर लो पांचों घंटे का पढ़ाई कर लो और कैद निकल जाएगा मेरा पहला क्वेश्चन आप सब बच्चों को देखो अगर आप देख रहे हो ना आप होशियार हो आप स्मार्ट हो आपको पता ही चीजें क्या है पहला क्वेश्चन

बहुत सारे बच्चे तो मेरी ही है नंबर थ्री ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो एक महीना पढ़े करते हैं हमारी जो स्टूडेंट है रुशाली शी इज फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड यार रुशाली स्टडीड ओनली फॉर वन आवर ओनली फॉर वन आवर इन लास्ट वन मंथ शी वाज वेरी सीरियस वहां भी उसे थोड़ा ज्यादा मेहनत किया गवर्नमेंट आई एम अहमदाबाद जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो तो दो सौ घंटे भी पढ़ाई करते हैं दो तीन महीना पढ़ाई करते हैं एंड देन दे मेक इट टू आय आयुष करके मेरा स्टूडेंट है August, करते हैं? उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। one, पहले ना, याद रखना अगर आपको कैट निकलना है इट इज एब्सोल्यूटली डूएबल गेम इजी नहीं बोलूंगा फिर आप आके मेरी पर सर आपने बोला था नहीं ये इजी मैं आपके लिए कर सकता हूं ये मेरी गारंटी है अगर आप सी टू सी में हो आई मेक दिस सुपर इजी फॉर यू दैट इज माय गारंटी बट

एप्टीट्यूड एग्जाम ज्यादा जिंदगी में दी नहीं है पढ़ाई में थोड़ा आलसी हूँ पढ़ाई करने का मन करता नहीं है आंसर थोड़ा इमोशनली इंबैलेंस हो जाता हूँ एक क्वेश्चन लेके बैठता हूँ आधा घंटा नहीं हुआ मन करता है मैं नहीं कर पाऊंगा ठीक है दूसरी कैटेगरी एवरेज बच्चे ये बच्चे क्या करते हैं ये बच्चे दो सेक्शन में वीक होते हैं इनको एक सेक्शन का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है एंड इनको कहीं ना कहीं लगता है कि सर मैं कर लूंगा मैं थोड़ी मेहनत करूंगा तो मैं कर लूंगा एंड दे आर रेडी टू वर्क हार्ड उनको पढ़ाई से प्यार है मतलब मेहनत ही है हमें लगता है कि ये तो गॉड लेवल है आई आई टी एन आई टी सिम्बाइसिस एस आर सी सी ब्लाब आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सिम्बाइसिस आई डिड माई फर्स्ट एम बी ए फ्राम के जिसम आई डिड माई एग्जीक्यूटिव एम बी ए फ्रॉम आई एम अहमदाबाद एंड आई कैन टेल यू ऑनेसली आई एम नॉट ग्रेट एट क्वानिटेटिव अबिलिटी आई एम नॉन इंजीनियर मैं क्वान गॉड लेवल नहीं हूं बट आई नो हाउ टू क्रैक इट राइट सीक्रेट में आपके साथ शेयर करूंगा सो so, टॉपर वाले जो बच्चे होते हैं ना उनके तीनों सेक्शन के बेसिक्स अच्छे होते हैं और उनका एक सेक्शन गॉड लेवल भी होता है बट द पॉइंट इज दैट इनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता है कि ये लोग ये चीजें कर सकते हैं फाइन सो so, ये लोग एक सेक्शन में गॉड होते हैं नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी एक्सपेक्टेंस सेटिंग क्या होगी सबसे गलत चीज जो होती है ना मैं आपको वो बताता हूँ एक क्वाड्स का एग्जाम्पल लेते हैं सर मेरा क्वांट्स ना बहुत खराब है आप एक चीज अग्री करोगे देखो आप क्वांट्स को इंप्रोवाइज कर सकते हो पर तो अगर आपका क्वांट्स वीक है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं बना सकते लेट्स एक्सेप्ट इट हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हमें बहुत ईगो है हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते और हमें फेक मोटिवेशन दिया जाता है तू करेगा तो फोड़ेगा ये करेगा वो करेगा अगर आपने पिछले दो तीन महीने से पढ़ाई करी होगी आप एक चीज़ अग्री करोगे कि यार ये जो फेक मोटिवेशन है इट डज इंट वर्क रियलिटी समझोगे बात बनेगी मैं आपको बताता हूँ क्वांट्स में पंगे क्या है एक बच्चा जो क्वांट्स करता है क्वांट्स में क्या क्या तहरा राजा क्वांट्स में आता है मॉडर्न मैथ्स नंबर सिस्टम वगैरह अरिथमेटिक वगैरह ज्योमेट्री वगैरह वगैरह हम ये पूरा सिलेबस पे फोकस करते हैं और हम 25 टॉपिक पे फोकस करते हैं मैंने देखे है बच्चे जो सी डू सी में आते हैं तीसरी बार बच्चे ने पहली बार दूसरी बार किसी और के साथ कैट करा थर्ड टाइम हमारे पास आया हमने कैट उसका करवा दिया सेकेंड टाइम हमारे पास आया हमने कैट करवा दिया पहली बार ही ज्वाइन करवा लिया हमने उसका कैट करवा दिया हमारे फ्रेशर स्नेह स्नेमा इज अ फ्रेशर नाइनटी नाइन पॉइंट जीरो सेवन इन कैट एग्जामिनेशन शी कन्वर्टेड मेरे ख्याल से उसका शिलोंग कन्वर्ट हो गया न्यू आएम्स कन्वर्ट हो गया बेबी आई कन्वर्ट हो गया आएम कोई कोड कन्वर्ट हो गया इंदौर भी कन्वर्ट हुआ आई एम कैलकटा भी कन्वर्ट हुआ बेस्ट कॉल था आएम कैलकटा शी ज्वाइंट इन आईम कलकटा सो ये चीज़ें आपको जाननी है अगर आपको इनके साथ यू नो इनके लीग में चलना है सो so बच्चे क्या करते हैं इसके ऊपर फोकस करते हैं चार महीना पाँच घंट महीना छः महीना करा 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 कॉन्स करा हुआ नहीं फिर क्या का अटैम्प्ट लिया फिर क्वान्स हुए वही गलती बार बार दोहराते हैं आपको ये समझना ज़रूरी है इम्प्रोवाइज कर सकता हूं मैं नहीं बना सकता डिफिकल्ट टॉपिक कौन से, 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 से है? दो टॉपिक है, है छह टॉपिक में से हर साल तुम्हें छे क्वेश्चन मिलेंगे ऑन लेवन क्वेश्चन तुम्हारे ग्यारह क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक के है। ग्यारह में से छह करेगा एग्जैक्ट तेरा नाइन्टी परसेंट बनेगा आठ क्वेश्चन करेगा तेरा नाइन परसेंट एल बने अब जब तू तो ये फोकस करता है कि यार मैं बिलो एवरेज हूँ या फिर मैं एवरेज हूँ या फिर मेरे में टॉपर कैटेगरी का, का बंदा हूँ पर डीएलआर और वर्बल में मैं गॉड हूं पर मैं क्वॉट्स में इतना तो सही नहीं हूं जैसे रुशाली ने करा था रुशाली का क्वॉन्ट्स में आया सेवेंटी पॉइंट सेवेंटी टू डीएल में नाइन्टी एट वर्बल में नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन जीरो ओवरऑल नाइनटी सेवन पॉइंट सेवेंटी फाइव मेरी टू आई अहमदाबाद ओपन कैटेगरी कैन यू बिलीव दैट ये स्मार्टनेस होती है तो अगर उस बच्ची ने क्वांट्स में ज्यादा मेहनत करी होती तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होता पर उसने अपने स्ट्रॉन्ग एरिया पे खेला सो वीक वर्स इंपॉर्टेंट दिस इज द मेट्रिक्स लिख के रखना बहुत ज्यादा काम आएगा वीक हो चलेगा प्रॉब्लम नहीं है इंपॉर्टेंट एरिया पे ध्यान देना सर मॉडर्न मैथ्स लेके मैं बैठा हूं बेटा मॉडर्न मैथ्स इज नॉट इंपॉर्टेंट दो या एक क्वेश्चन आता है नंबर सिस्टम बहुत सारे लोग कहते हैं नंबर सिस्टम करो ये करो वो करो एक से लेके दो क्वेश्चन आते हैं कोई करने की जरूरत है नहीं आज सच सो अरिथमेटिक एल्जेब्रा जॉमेट्री के अगर आपको करने हैं आप बेसिक लेवल पे करो आप छः टॉपिक पकड़ो आठ पकड़ो या दस टॉपिक पकड़ो अब मैं आपको बताता तो आवर्स कितना है, अगर तो दस पकड़ता है किसके के? आपको बोले कौन से फटाफट कर लेते uh, हैं फाइन और फंक्शन पकड़ लो इनक्वालिटी पकड़ लो सर्कल पकड़ लो ट्राइंगल पकड़ लो मैं दस टॉपिक आपको बताता हूं जो आपको अगले पांच महीने करने हैं ठीक है अब इसको ऐसे देखो सर मैं पंद्रह दिन में एक टॉपिक करूंगा या फिर मैं एक महीने में दो टॉपिक करूंगा तो पांच महीने में मेरे दस टॉपिक बन गए नंबर ऑफ आवर्स भी अगर आप देखोगे भाई मेरे दस टॉपिक के लिए अगर तू तो दस घंटे लगाता है हाँ दस टॉपिक के लिए अगर तू तो दस घंटे लगाता है हंड्रेड आवर्स में तेरा कैट का पूरा का पूरा क्वानस्टैंड इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल हंड्रेड आवर्स तुम्हारे ऐसे ही बन गए ऐसे ही बन गए अब मुझे बता एक टॉपिक तेरा दस घंटे में नहीं होगा बट अगर यहाँ पे तू बैठ के बोलेगा कि मैं पंद्रह टॉपिक करूंगा तो तेरे बहुत ज्यादा तेरा समय चला जाएगा ऊपर के जो पचास या फिर सौ घंटे तू तो ज्यादा डालेगा वो इनकी रिवीजन में डाल दे तेरा काम बन जाएगा सो टेन टॉपिक्स इफ यू इफ यू डू अच्छे से इवन इफ यू स्पेंड लेट से फिफ्टीन आवर्स ऑन वन टॉपिक विच यू कैन डू आराम से विच यू कैन डू आराम से कैलकुलेशन भी कर ले अगर तू तो दिन में चार घंटा भी पड़ता है तेरे दिन में अगर तू तो पाँच घंटा पड़ता है तेरे हाथ में एक दिन है मैं एक दिन पकड़ता हूँ दिवाली ईद वगैरह वगैरह पकड़ के नवरात्रि पकड़ के इनो टाइम पास करके नो थोड़ा मस्ती करके ट्रैवलिंग करके थोड़ा सिक्लिप वगैरह करके अगर तू तो पाँच घंटे रोज़ पड़ता है और अगर तेरे पास एक दिन भी है भाई तेरे पास छः घंटे पड़े हैं समझा अभी छह घंटों में से तीन घंटे तू खाली क्वार्स पे मत देना डेढ़ सौ घंटे का खेल है इसके बारे में बात करेंगे फिर आगे चलेंगे सो दिस इज वॉट इज द इंपॉर्टेंट मेट्रिक दट एम टॉकिंग अबाउट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैट क्रैक करने के लिए जरूरत क्या है मैं डीएलआर से चालू करता हूं डीएलआर कितने सेट्स करने हैं डेढ़ सेट्स।, सेट्स सर डेढ़ में तुम्हारा हो जाएगा आराम से हो जाएगा सवाल ही नहीं पैदा होता कि तुम्हारा कैट ना निकले मेरी गारंटी है डेढ़ सौ सेट तुम्हें लगाने किसके लगाने सिंपल सी बात है सेट थ्योरी को पकड़ अरेंजमेंट्स को पकड़ ये शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक्स है एंड कैलकुलेशन ओरिएंटेड जो टॉपिक्स आते हैं उसको पकड़ पिछले दस साल में ये तीन आते ही आते हैं इसके पचास 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 सेट लगाना चालू कर एंड योर लाइफ इज गुड डेढ़ सौ सेट अगर तू करता है कंसिडरिंग एक सेट के ऊपर तूने आधा घंटा देना है तू तकरीबन सेवेंटी आवर्स में तेरा

कैन गिव यू गारंटी दैट यू विल भी एबल टू स्कोर नाइन एल प्लस आराम से आराम से, से जाके पुराने वीडियो देख लेना फायदा होगा वर्बेलेबिलिटी सिंपल सी बात है पैरा जंबल पैरासंबलीउंड सौ सो क्वेश्चन करो पचास घंटे में तुम्हारा उधर काम हो गया यू गेट गिवर पॉइंट सो दिस इज टू अंडरस्टैंड की अगर आप देखोगे यू डोट हैव टू स्टडी फॉर फाइव हंड्रेड एंड सिक्स हंड्रेड आवर्स यू हैव टू स्टडी समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट विच इज योर स्ट्रॉन्ग एरिया एंड वी कह रहा है उसको थोड़ा साइड में रखो क्वान्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया नाउ हियर इज द क्राक्स हियर इज द क्राक्स अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे फुल लेंथ मॉक लिखी है तीस आप तीस मॉक दोगे दो घंटे की एक मॉक तीन घंटे का एनालिसिस पांच घंटे का तुम्हारा काम है हर एक मॉक पे ये डेढ़ सौ घंटा एडिशनली मैंने बात करा अगर मैं इसको निकाल दूँ इट जस्ट थ्री हंड्रेड आवर्स का टास्क जस्ट थ्री हंड्रेड आवर्स का टास्क तो डेढ़ सौ सेट करेगा तेरा दो सेट आराम से निकल जाएगा तू क्वांट्स के दस टॉपिक करेगा तो छह से सात क्वेश्चन आराम से कर सकता है पर तेरे को डेप्थ में करना पड़ेगा उसका एक वीडियो हो जाएगा वर्बल एवरेडी चार सौ क्वेश्चन हंड्रेड आरसीज मोर देन इनफ ये खुद में सीटू से मेंटर में आपसे करवा के ले सकता हूं अगर आपको ज्वाइन करना है मेरी नई बैच आ रही है दिस इज एप्सल्यूटली डूएबल फिर इसके ऊपर स्ट्रैटेजी आएगा इमोशनल क्वेश्चन कैसे इंप्रूव करना है वो आएगा मॉक एनालिसिस आएगा मेरे साथ हमारी जो टीम है आई एम अहमदाबाद आएम बैंगलोर आई एम कलकटा एफ एम एस लखनऊ कोई इंदौर शिलोंग एम डी आ गुड़गांव के बच्चे हैं जो आपको कंसिस्टेंटली मैंटर करेंगे एंड विल मेक श्योर कि आप पढ़ाई में अच्छे बनो आप डेडिकेशन से पढ़ाई करो आप कैट को जानो एंड ज़्यादा पढ़ाई करके पाँच सौ छः सौ हज़ार घंटा ना करके भी आपका कैट आराम से निकल सकता है आते ना एक मैट्रिक्स दे देता हूं आपको फटाफट से इसके बारे में बात करेंगे यार अकॉर्डिंग टू कैट ट्वेंटी ना अगर आप पच्चीस का पेपर कर लेते हो भाई पच्चीस के पेपर पर नाइन परसेंट मिलेगा राइट बट एक बॉलपक नंबर ले लेते हैं सो नंबर इज थर्टी का पेपर अगर आप करते हो यू आर क्लोज टू नाइटी अगर आप थर्टी का पेपर कर लेते हो यूर क्लोज टू राउंड अबाउट अब परसेंट एंड अगर आप फोर्टी का पेपर कर लेते हो यूर क्लोज टू सिंपल सी बात है सो अगर आप इतना मेहनत कर सकते हो ये जो भी नंबर्स मैंने बोले हैं यू शुड बी फाइन गाइज़ आपको 500 घंटा वेट करने की जरूरत नहीं है अगर आप ये वाले कैटेगरी वाले हो अगर आप टॉपरली वाले बच्चे हो तो गाइस ऑनेस्टली आपका काम 200 घंटे में भी हो सकता है ठीक है एवरेज बच्चे हो 300 घंटे में भी आपका काम हो सकता है और अगर आप कहते हो कि सर मैं बिलो एवरेज हूँ कोई भी एक सेक्शन मेरे को अच्छे से करके दे बाकी दो सेक्शन में अस्सी से ले लेके आ अगर तू तो तीन सौ साढ़े तीन सौ घंटे भी मेरे को देता है फिर भी तेरा काम बन जाएगा अगर तू तो ये भी मैट्रिक्स लगाता है चलो सर मैं एक काम करता हूँ मैं दो सेक्शन में आपको नब्बे नब्बे परसेंटेज लाने की प्रॉमिस करता हूँ एक सेक्शन में मैं नाइन एटी लेके आऊँगा सर मेरा ओवरऑल परसेंटेज बता दो बेटा यू आर एटी फाइव परसेंटेज अबव देर इज़ नो डाउट अबाउट इट इज नो डाउट अबाउट इट ये करने के बाद भी सो गाइस आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करा अगर ये वीडियो आपको हेल्प करा तो भाई इसके ऊपर कमेंट जरूरी है इसको शेयर करना टेलीग्राम ग्रुप वगैरह वगैरह में नाइन्थ जुलाई को मेरी एक ऑल इंडिया लेवल पे वेबिनार होने वाली है अगर आपको आना है बैठना है चीजें और डेप्थ में जाननी है बिंदास आ सकते हो बट याद रखना कैट इज वेरी मच डुएबल एंड क्रैकेबल यू नीड अ गुड स्ट्रैटेजी यू नीड रियलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ठीक सर रियलिस्टिक चीजें पता है आराम से कर लोगे अब मैंने आपको जो बताया ये प्रूफ है यार कि भाई तुम नहीं पाँच सौ घंटा छह सौ घंटा लगाओ तीन सौ घंटे में भी तुम फोड़ सकते हो और अगर ज्यादा मेहनत करनी है नाइनटी नाइन लाना है तो खुद को स्ट्रेच करो लगाओ फिर हज़ार घंटा जैसे गौरव ने हजार सेट लगाए थे राइट यू कैन डू इट फाइन सो ऑन दैट नोट थैंक यू फॉर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद द फ्रेंड्स टेक केयर बाय